नमस्कार, स्वागत है आपका। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडवांस। ई शिक्षा कोष से संबंधित यह वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ई शिक्षा कोष पर जो पोर्टल 2 दिन के लिए खुलने का मैसेज आज सोशल मीडिया पर वायरल है, उससे संबंधित बातें जानेंगे और यह जानेंगे कि क्या 2 दिन के लिए ही खुला होगा। इसका हम एक ऑफिशियल लेटर आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि यह क्यों जरूरी है और किनके लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है। बीपीएससी शिक्षक इसके माध्यम से कैसे अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा जिन शिक्षकों की काउंसलिंग बाकी है और जिन शिक्षकों का डाउटफुल आया है, उनके लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि एसएमएस जो है, आपको जब काउंसलिंग होता है तो उस समय आपको एसएमएस आता है, और एसएमएस कहां से आता है, वो आपको ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से एसएमएस आता है। जब ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से इस एसएमएस आता है तो आपका मोबाइल नंबर बहुत मैटर करता है। तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका मोबाइल नंबर ई शिक्षा कोर्स में कुछ और है और आधार पर कुछ और है। ये आधार पर कुछ है और ई शिक्षा कोर्स पर कुछ और है, जिसके चलते होता है दिक्कत। तो यहां इस वीडियो के माध्यम से हम वो जानेंगे कि कैसे अपडेट कर सकते हैं और क्या क्या अपडेट कर सकते हैं। यहां हम इस माध्यम से जानेंगे कि 2 दिन का समय बचा है, इसका ऑफिशियल पक्ष क्या है। अब आपको मैं बता दूं कि आपके स्क्रीन पे एक पत्र दिख रहा है और ये पत्र है, ये पत्र मैंने बस आपके प्रामाणिकता के लिए और आपके विश्वास के लिए लगाया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर केवल टाइप मैसेज घूम रहे हैं। तो ये पत्र है आपका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पालीगंज का। इन्होंने अपने क्षेत्राधीन जो भी शिक्षक हैं उनको लिखा है और कंसर्न जो व्यक्ति है उनको लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जो इनको आदेश ऊपर से मिला है, इन्होंने कहा है कि 23/8 यानी आज और 24/8 तक ई शिक्षा कोष के शिक्षक आईडी पर सभी तरह का सुधार किया जा सकता है, मात्र 2 दिन के लिए। तो ये हमारी जानकारी मिल गई इस पत्र के माध्यम से। 2 दिन के लिए जो बातें कही जा रही है वो सही है, और जिसमें से एक दिन आपका गुजर गया, शाम हो गया। अब बात आपकी आती है कि जो शिक्षक डाउटफुल है और जिनका काउंसलिंग अभी बाकी है, क्योंकि काउंसलिंग ऑन द वे है, वो प्रोसेस में है। ध्यान ये रखना है क्यों जरूरी है ये शिक्षा कोष पर। ये शिक्षा कोष पे अभी जो सुधार हो रहा है वो मात्र 3 चीजों का सुधार हो रहा है। वो क्या है? वो आपका है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर है। उसके अलावा वो आपका कोटि सुधार रहा है। किस कोटि के शिक्षक है? 1 से 5 के हैं, 6 to 8 के हैं, 9 10th के हैं, 11 12th के हैं। बहुत सारे शिक्षकों का ई शिक्षा कोष पर ये कोटि गलत हुआ पड़ा है। वो बहुत सारे लोग मैसेज मुझे कर रहे हैं कि सर कोटि जो है ये गड़बड़ हो गया है, क्या करें। अब स्थिति यहां बन के आती है कि अब मोबाइल नंबर हमने वहां सुधार लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मोबाइल नंबर जो है वो गलत है। वहां दोनों अलग अलग है, जैसे मैंने बताया आधार में और आपको मोबाइल ये ई शिक्षा कोष में। तो अब स्थिति क्या बनेगी? अब स्थिति बनेगी कि हम वहां मोबाइल नंबर अपना सुधार सकते हैं, उसके अलावा अपना कोटि सुधार सकते हैं। मान लीजिए कि 1 to 5 में है तो यहाँ भी कोटि एक होता है, और यहाँ एक कोटि बनता है आपका, वो कोटि बनता है आपको सामान्य शिक्षक का, सामान्य शिक्षक का, या बनता है वो उर्दू का। यहाँ भी इस 1 to 5 के कोटि में भी आपको सब्जेक्ट है। उसके बाद 6 to 8 में हो गया भाषा का, हो गया सोशल साइंस का, हो गया आपको साइंस का, हो गया साइंस और मैथ साथ आते हैं। उसी तरह 9 10th में भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो यहां आपको चूज करके बतानी है, यानी 3 चीजें आपको सुधार के लिए ऑप्शन वहां मिलेगा। तो सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है काउंसलिंग में शिक्षकों को, ओटीपी की। तो ओटीपी की स्थिति क्यों खराब हो रही है और क्यों दिक्कत हो रही है, वो समस्या आपको ई शिक्षा कोष में, ये जो ई शिक्षा कोष है, ई शिक्षा कोष में मोबाइल नंबर के बदले होने की स्थिति में, यानी आधार पे कुछ और है और आपके ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कुछ और है। बहुत सारे मैसेज मुझे प्राप्त हुए कि सर ई शिक्षा कोष में तो मैंने अपने हस्बैंड का डाल दिया है, ई शिक्षा कोष में तो अपने मैंने भाई का डाल दिया है। तो इस तरह की बातें आती हैं। तो ये ऑप्शन इसीलिए खोला गया है, और इसके पीछे, इस पोर्टल को ओपन करने से के पीछे सबसे बड़ा कारण है आपका कौन सेलिंग। ये कौन सेलिंग सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लोगों के आपको डाउटफुल हो रहे हैं ज्यादा के ज्यादा स्टेटस, और उसमें ओटीपी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या के कारण ये कहानी बन रही है। तो 2 दिन का समय है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्या बीपीएससी के शिक्षक भी क्या कर सकते हैं और कैसे अपडेट करेंगे इन आपको जो आपके 3 जो चीजें हैं वो। इसके अलावा कुछ और चीजें अपडेट नहीं हो रही हैं, वो कैसे वो काम करेगा, कैसे आप उसको कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल से बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास आपका यूजर आईडी होना चाहिए और आपके पास आपका पासवर्ड होना चाहिए। यूजर आईडी 2 तरीके से बन सकता है। जो पहले से शिक्षक हैं उनके पास आपको परमानेंट आईडी होगा, उनके पास अपना परमानेंट आईडी होगा,
वो कर सकते हैं। और जो शिक्षक आपको बीपीएससी से बहाल है उनके पास टेम्पोररी आईडी होगा, आप उससे भी लॉगिन हो सकते हैं। तो आइए हम इसका एक लाइव डेमो देखते हैं, मैं आपको कैसे चेंज होगा, क्या होगा, ये सारी बातें आपको लाइव डेमो के माध्यम से बताता हूं। तो चलिए उसको देखते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या कैसे हम उसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे हम लोग क्या करेंगे, गूगल क्रोम में ई शिक्षा कोर्स का वेबसाइट हम लोग ओपन कर लेंगे। ई शिक्षा कोर्स का वेबसाइट ओपन हो गया, उसके बाद हमको करना क्या है, जब ई शिक्षा कोर्स का वेबसाइट ओपन हो जाएगा तब हमारे सामने क्या आ जाएगा आपको इस तरह का इंटरफेस। अब हम इसमें क्या करेंगे, टीचर स्कूल ऑफिशियल अदर्स इत्यादि है, तो अब हमें यहाँ टीचर सेलेक्ट करना है, ठीक है। और टीचर सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ आपको अपना टीचर का आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है। यहाँ यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके पास यदि टेम्पररी आईडी है तो टेम्पररी डालें, टेम्पररी आईडी उन्हीं का है जिनका अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। ज्यादातर बीपीएससी के लगभग सभी बीपीएससी के टीचर्स के पास आपको टेम्पररी आईडी ही है, जो परमानेंट आईडी है जो पूर्व नियोजित शिक्षक है उन्हीं का उनके पास आपको मिल जाएगा, क्लियर है। अब हमको यहाँ यह देखना है कि आगे हम क्या करेंगे, परमानेंट आईडी की बात अगर की जाए तो परमानेंट आईडी जो है वो सारे आपको जो भी पूर्व नियोजित शिक्षक है या नियमित शिक्षक है उन सब के पास आपको मिलेगा। अब हम यहाँ पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद यहाँ हम जो ये प्रॉब्लम्स दिया गया है मैथमेटिकल इसको करेंगे और हम लोग साइन इन कर जाएंगे। तो चलिए हम इसको साइन इन करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। अब हमने यहाँ एक साइन इन कर लिया और साइन इन करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हमने साइन इन किया उसके बाद हमने यहां कैप्चा डाला, हम यहां आगे आ गए। अब हमारे पास हमारा डैशबोर्ड खुल के सामने आ गया। अब हमको यहां करना क्या है, अब हमें यहां दिखेगा कई सारी चीजें हमें दिखेगी। यहां हमें दिखेगा डैशबोर्ड, टीचर्स रेज टिकट नोटिफिकेशन स्टूडेंट एनरोलमेंट। हमको यहां केवल इस टीचर वाले से मतलब है, तो हम अभी आप क्या करेंगे, हम यहाँ टीचर वाले पे आपको क्लिक करेंगे। जैसे टीचर वाले पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक एक पूरा का पूरा डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इस जगह आपका नाम है, ठीक है। और यहाँ आपके कोने में, अगर लेफ्ट साइड में कोने में अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट साइड के कोने में आपको दिख रहा है यहाँ टीचर रजिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा यहाँ आपका डिटेल दिया हुआ है, ये आपका नेम है और ये चीजें आपकी दी हो जाएगी। उसके बाद अब बात आ जाती है टीचर रजिस्ट्रेशन की, जो यहाँ सामने दिख रहा है। इस टीचर रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ टीचर रजिस्ट्रेशन पे हम लोग फिर से क्लिक करेंगे। जैसे टीचर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे हमारा डिटेल खुल के सामने आ जाएगा। अब डिटेल सामने हमारा खुल के आ गया, अब हमको करना क्या है, अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये डिटेल खुल के हमारे सामने आ जाएगा हम सीधे आते हैं आपको राइट साइड में। जैसे आप राइट साइड में आइएगा, राइट साइड में आप देखिए आपको नजर आ जाएगा यह एडिट प्रोफाइल। यहाँ एडिट प्रोफाइल ध्यान रखना है, यह कि ये एडिट प्रोफाइल इसी तरह के सभी लोगों के सिस्टम पे ये खुलेगा। एडिट प्रोफाइल पे आ गया, अब हम क्या करेंगे, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और एडिट प्रोफाइल पे जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारे सामने खुल के ये चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ जो चीजें खुल के आ रही हैं वो हमारे सामने दिख रहा है, और वो क्या दिख रहा है, हमारे सामने मोबाइल नंबर हो जाएगा। सामने यहाँ मोबाइल नंबर है आपका, ठीक है। यहाँ आपका वर्ग श्रेणी है, वर्ग श्रेणी का मतलब हो गया 1 to 5, 6 to 8, और आपका जो होगा, जैसे आप मान लीजिए वर्ग श्रेणी, यहाँ अगर हम खोलते हैं इस वर्ग श्रेणी को हम देखते हैं तो यहाँ दिखेगा आपको, देखिए यहाँ दिखेगा आप 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, सब आपको यहाँ दिख रहा है, क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ दिखता है कि मान लीजिए 1 to 5 में है, 1 to 5 आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ दिखेगा आपको जनरल उर्दू बांग्ला, ठीक है। 6 to 8 अगर क्लिक करते हैं तो आपको दिखेगा क्या, ये सारा का सारा सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसका जिक्र मैंने किया था, और ये सारा भाषा है उसमें मैथ है, साइंस है, उर्दू है, सोशल साइंस है। उसके अलावा मान लीजिए अगर 9 10th करते हैं तो 9 10th में सारी चीजें होती है। उसके बाद 11 12th है, 11 12th में सारे सब्जेक्ट यहाँ दिए गए हैं, क्लियर है। यहाँ आपका जो कंसर्न है, यदि आपका कोटि गलत सिलेक्ट हो गया है तो आप अपना कोटि यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ अपना कोटि आप सही सिलेक्ट कर लेंगे, उसका सही सब्जेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप मोबाइल नंबर अगर आपका गड़बड़ है तो मोबाइल नंबर यही कर लेंगे। और जब ये तीनों चीजों में से जो आपका गलत है वो करके आपको करना क्या है, इस सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा इस सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका ये तीन ही इंफॉर्मेशन आपका सही होगा, ये तीन इंफॉर्मेशन ही आपका सुधार होगा, और कोई इंफॉर्मेशन सुधार नहीं हो रही है। और इसके पीछे कारण है आपकी काउंसलिंग का, तो यही चीज है। बहुत सारे लोगों को ओटीपी आया नहीं है, और ओटीपी नहीं आया है
और इसका कारण आपको यही है, सुधार नहीं होना। कोटि में भी दिक्कत हुई है और नियुक्ति के विषय में भी दिक्कत हुई है। उस शिक्षा कोष से ही, ई शिक्षा कोष को आपको, इसके ऑन बिहाफ ऑफ आपकी काउंसलिंग हो रही है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर किसी ने काउंसलिंग कराया होगा तो उसके पास दो मैसेजेज आते हैं। एक मैसेज आता है आपका बीएससीबी की तरफ से जो सक्षमता वाला है, और एक मैसेज आता है आपको, वह आता है आपको ई शिक्षा आपको कोर्स से, ई शिक्षा कोर्स से आता है। क्लियर है? यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है? ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से वो मैसेज आएगा, तो ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से जब वो आता है तो आपको ध्यान रखने की जरूरत। इसीलिए ये पोर्टल जो है ओपन किया गया है और आपकी सुविधा के लिए आगे बढ़ाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आशा है आपको ये सारी चीजें और सारा इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जल्दी ही, धन्यवाद, जय हिंद।